आप विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, आज हमारी महफिल बड़ी चटपटी और जायकेदार होने वाली है, आपको पता है? मुझे पता है। क्या? आज शेफ स्पेशल है, इंडिया के टॉप 3 शेफ्स आ रहे हैं ना। खाने पीने की सारी चीजें इनको मालूम होती हैं, पता नहीं कैसे। वाह, जब देखो खाना पीना पहले सिद्धू जी को खा गई। तो चलिए जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करते हैं इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ। बताइए इसका मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ कुकिंग के एक्सपर्ट्स। वो तो आपको पहले पता था ना शेफ आने वाले, इसलिए आपने बोल दिया, नहीं तो आपको आउट। सो इंडिया के जाने माने पाक कला विशेषज्ञ 3 फेमस शेफ्स ऑफ इंडिया, मिस्टर संजीव कपूर, मिस्टर कुणाल कपूर एंड मिस्टर रणवीर बरार, योर ब्रो। आधा किलो मटन, 2 किलो चिकन, चिकन थोड़ा ठीक सा लाना और साथ में नहीं, 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 नहीं। ये क्या करेंगे, जैसे आप इनके घर जा रहे हो मडालैंड, तो ये आपको हाईवे मिलेंगी, आप तीनों को बिठाएंगी, मटन तो क्या है, हम रास्ते में पकड़ लेंगे किसी ना किसी को। पहली बात तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खाती, लेकिन तेरी मजाक ठीक है यार, तू मजाक करता है, मुझे नॉन वेजिटेरियन बना दिया, कहता है कि मैं मटन तो क्या, मैं तो जजों को खा जाती हूँ। तो झूठ है। नहीं नहीं, आई थिंक दिस इज द मोस्ट लव्ड शो। अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसा शो है जो मैं अपने शो से ज्यादा, एंड दैट्स अ ऑनेस्ट ट्रुथ, अपने शो से ज्यादा कपिल आपका शो देखा। शुक्रिया, बैठिए प्लीज, धन्यवाद। चलिए ढेर सारी बातें करेंगे सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। संजीव सर इतने बड़े सेलिब्रिटी शेफ हैं, इतने सालों से हम लोग इनको टीवी पे खाना बनाते हुए देख रहे हैं, छोटे शहरों में हम लोग सर पले बड़े हैं, हमें तो पहले पता नहीं था, पता कि खाना बनाने में ऐसे वाले इतने ब्यूटीफुल वाइट कपड़े ऊपर से हैट, मेरे को पहली बार मैंने आपको देखा था, मुझे लगा था खाने के डॉक्टर हैं, बीमार सब्जियों को ठीक करते हैं। सीरियसली मजाक नहीं है, इन्होंने जो धनिए को इज्जत दी है कि जब आप प्यार से बोलते ना कि अब थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, धनिया मटन जैसा फील करता है उस समय। और उसके पत्ते हाथ से थोड़े तोड़ते हैं, कैंची रखी होती छोटी सा, इसको थोड़ा सा काटे। धनिया यूं बैठा रहता कि मैं 5-स्टार सैलून में कटिंग कराने आया हूं। लेकिन कुकिंग को एक आर्ट, साइंस और बिजनेस बनाने में जो इन लोगों का योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। सर एक अर्चना जी का सवाल था, कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली बजाते हैं, तो आप लोगों को चीज पसंद आती है ऐसे ताली बजाते हो कि ऐसे बजाते हो? अच्छा एक ना इसका एक किस्सा है जी। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी, तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है, तंदूर पे रोटी लगा रही, कुणाल की लगी, सबकी लगती है। अच्छा। और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप 10,000 रोटी तो गा लेते होगे। ओ वाओ। ठीक है, तो आप रात को लिटरली, मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू रात को, ऐसे 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 करके सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो ये वाली बात तो है। करेक्ट। और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो सोते हुए भी, अगर शादी वादी होगी तो बीवी को हाथ पकड़ने पड़ेगा, रुक जा क्या कर रहा है तू, कहाँ चला रहा है। एक्चुअली बंदा सर रात को सोते अपनी रजाई घुमा रहा हो। नहीं सो गए भाई, ये नई रोटी निकाली है, रुमाली रोटी की जगह रजाई। अच्छा आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा, नेचुरल चीजें जो आप खा लो, बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते। हाँ। इतने गुणी लोग हैं ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे, आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं, आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं, आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश, हम तो
डरे ही रहते हैं, क्या पूछें? काजू पड़े? जी जी सर, काजू भी पड़े हैं। कुछ खाता ही नहीं। इनको पहले सैनिटाइज कर लो, पिछले महीने के हैं। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इसलिए खुला भी नहीं है, डोंट वरी। अच्छा खुल गया, देखो जी आए हैं। अच्छा ये खा के जाएंगे एक। अब बताइए कितने महीने पुराने हैं ये काजू? नहीं पर याद हो जाती है ऐसा। हमने बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे, जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पैंट्री बनी होती है, उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज कब की है, लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को। सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर, तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी? हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं, कैसे दिमाग में आया? मैं तो वैसे पूछ लिया। हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना, तो जैसे लोगों को मेडल मिलता है, कुछ मिलता है जी, या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है, हमें कड़ाइयां, पतीले, अच्छा, यही सब, अच्छा, हांडियां, यही सब, वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मोमेंटो। अच्छा नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है? नहीं, हां हां, मेनी मेनी ऑफ देम। कड़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाहर जाते हो घूमने, फ्रांस गए, ये गए, वो गए, घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे, हम जाते हैं पहले भांडे बर्तन की दुकान में, हाँ ये प्लेट की, हाँ ये ले लो, हाँ ये ले लो, ये प्लेट चंगी लग रही है। हम लोगों को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं, उसके बाद मुझे याद है शुरू शुरू में बचपन में खाना बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला, बेटा खाना बड़ा अच्छा बना था, पर एक बात था, एक डिश के लिए सात बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है? अच्छा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया, कोई धो रहा है, उधर कर रहा है, हम कहते एक डिश एक बर्तन, ज़्यादा नहीं यूज़ करने, तब से किफ़ायत हो गई, कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं। मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ, मेरी जब परमीत से शादी हुई थी, मेरी दो कंडीशन थी, मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी, ही सेड यस, दैट टाइम ही वाज रेडी टू से यस टू एनीथिंग, अब नाउ रिग्रेट्स। दूसरी बात मैंने बोला था नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड, कि बेड के ऊपर गीले तौलिए मत रखना। अच्छा ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिए बेड के ऊपर होना? हाँ। ना इधर बैठ जाता हूं थोड़ा, इसमें लड़कियों को पता नहीं, मतलब हाँ मैं तो नहीं रखता हूँ वैसे, पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गीले तौलिए से, बताइए आप? नहीं ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है, कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते दूसरा बंदा करेगा आपका काम, जस्ट अ मेटाफर फॉर यू बेटर नॉट बी सो लापरवाह एंड इररिस्पॉन्सिबल। नहीं चलो आदमी ने गीला तौलिया रख दिया वो गलती, मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए, पर बीवी की साड़ियां प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक, वो बात ठीक है? मैं साड़ियां नहीं पहनती, शुक्र है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहनती भी नहीं, प्रेस क्यों करवाते हो? सर जैसे मैंने बचपन में अर्चना जी को देखा, मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह बड़ा होकर हीरो बनूंगा। होता ना कि हम किसी एक्टर को देखते हैं हम भी एक्टर बनेंगे, अच्छा डांसर को देखा हम डांसर बनेंगे, आपने किनको देखा था कि आपने बोला कि मेरे को शेफ बनना है? हमने तो इनको ही देखा था जी। देखो आपने तो संजीव सर को देखा, फैक्ट ऑफ द मैटर है हमने इनको देखा, इन्होंने किसको देखा था ये देखो, आपने किनको देखा था? अच्छा जब मैं इस फील्ड में आया तब हमारे घर में से कोई ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं। अच्छा हमें शेफ क्या होता है पता नहीं होता, सी एच ई एफ शेफ होता है, ये थोड़ी होता है, चेफ होता है। आपकी वजह से मुझे पता चला था शेफ होता है। हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता था, हमारे घर में तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस में डोसा समोसा जलेबी सब वहीं से आता था। अच्छा जी सरदार जी बना रहे होते तो डोसा ही वही बनाते थे, तो शेफ कौन होता है पता ही नहीं था एक्चुअली। कपिल दिल्ली में मैं पैदा हुआ तो राजागढ़ में हमारा घर था और कोने का मकान था, तो इस तरफ हलवाई की दुकान थी और इस तरफ भी हलवाई की दुकान थी। अच्छा जी तो फर्स्ट फ्लोर पे ना दादी थी दादा थे वो धूप सेकते थे, तो रिपोर्ट कार्ड आती थी बच्चों की, जॉइंट फैमिली तो सब थे, मेरी सिस्टर्स थी, मैं सबसे छोटा, तो बाकी सब की तो अच्छी, मेरी रिपोर्ट कार्ड देख के दादी कहती थी मैं बोले समझ नहीं आई, मैंने समझ नहीं आई, पढ़ ले वरना हलवाई बनेगा। एंड आई थिंक उनका आशीर्वाद है कि हलवाई बन गया। Fantastic. And हलवाई बोलने में भी वी शुड बी वेरी प्राउड, हम लोग कहते हैं शेफ एज अ वर्ड, आप उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसा इंसान जो खाना बनाता है, अब वो खाना बनाता exactly, yeah. और बेकरी शेफ मतलब वो हलवाई है एक्चुअली। बट आज एक्चुअली बेस्ट हलवाई जो है वो करोड़ों कमा रहे हैं, तो मतलब मॉरल द स्टोरी ये है कि करोड़ों कमाने हैं तो यहाँ तो हलवाई बन जाओ या कपिल शर्मा बन जाओ। नहीं लेकिन दोनों में उस
उस दायरे में बेस्ट बन जाओ जैसे ये भी है. मैं दोनों ही हूं. मैं इट इज ट्रू कपिल. कपिल के लिए, कपिल के लिए. वैसे एक बात कहूं अर्चना जी, मैं आपसे मिला था कई साल पहले, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा. वेयर वाज दिस? ये दिल्ली में था, नोएडा में फिल्म सिटी में विवेक वासवानी जी का एक शो होता था. अच्छा, क्विज शो. अच्छा. आप एक दिन उसके अंदर एज बतौर गेस्ट जज आई थी, तब मैं स्कूल में था. अच्छा. और हमारा पूरा स्कूल का ट्रूप गया था, और जैसे आप आए अर्चना पूरन सिंह आ गए, अर्चना सिंह ओके 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 ओके, जैसे शो खत्म हुआ सारे बच्चे भागे. मैं भी भागा ऑटोग्राफ लेने. उस दिन आप बच्चे थे, हमें पता नहीं था, हाथ आगे कर दीजिए ऑटोग्राफ. और आपने कहा मैं हाथ पे ऑटोग्राफ नहीं देती. And I'm like, okay. ऐसे बोला था मैंने. You snubbed me, yeah? नहीं, मुझे अभी भी याद है. My first recall जब मैंने आपको देखा था. तो मैंने ऑटोग्राफ ही नहीं दिया आपको? नहीं दिया. अरे यार, ये मेरा दुर्भाग्य है. हमारी तो सुनी पड़ी हुई है यहाँ पे. पर ये है, जैसे हमें पहली बार पता था ना कि शेफ शेफ बोलते हैं कि ना, क्लास के साथ आए टीवी पे. वैसे अब जब फाइव स्टार होटल्स में जाना शुरू किया ना, बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हम मेन्यू में पढ़ते हैं, इंग्लिश में कितनी सारी लिखी होती है. वाइट मैदे को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भी. इतना लंबा सा सेंटेंस लिख के, ये वो सम पी पीज एंड ये वो, और बाद में जब आता समोसा है. पांच रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचना है तो लिखना तो अच्छा पड़ेगा ना. एक्चुअली कितनी सारी लंबी चीजें लिख देते हैं, फिर वो ट्रे लेके आते हैं, उसमें से ये निकालते, अब लगा सामान आएगा, एक समोसा निकलता है. साथ में छुरी काटा दे देते. कपिल, कोई भी एक डिश का नाम ले दो आप. दाल मखनी. ब्लैक लेंटल सिमर्ड ओवरनाइट इन अ रिच सिल्कन क्रीमी ग्रेवी सर्व्ड विद अ टच ऑफ होम चर्न्ड बटर. एंड होम चर्न्ड बटर. ऐसा लगता है एड्रेस बता रहे किसी का. अच्छा, पर खाने में ये इंग्लिश में मतलब आप 5 के 500 जैसे हैं, उसमें लिख देंगे ऐसी यही वाली दाल में कुक्ड स्लोली ओवर चारकोल फायर फॉर 30 आवर्स. और आप कहते हो अरे बड़ा, एक तो बासी दाल खिला रहे हो. आप कह रहे हो पैसे भी ज्यादा. और उसके नीचे लिख दो बाय शेफ संजीव कपूर, अपने आप करोड़ों की हो जाएगी. मुझे याद है मैं एक बार किस किस को प्यार करूं के लिए शूटिंग कर रहा था. तो मुझे किसी ने बताया संजीव सर का ऊपर ही ऑफिस है, तो मैं इनके ऑफिस गया. इतना ब्यूटीफुल ऑफिस, और इन्होंने पता नहीं कितनी मजेदार चीजें, वो मैंने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार खाई थी. उसके बाद मुझे कभी किसी ने खिलाया ही नहीं वो. हाँ, मेरे मैं ब्रदर से बात कर रहा था, वो दुबई में था अभी, तो मैंने कहा इससे शो पे जा रहा हूँ, कहते मेरी नमस्ते बोल देना. अच्छा, तुम कब मिले? कहते तुम्हारे ऑफिस में. मैंने कहा है? मैंने कहा कपिल हमारे ऑफिस में, एक फिल्म की शूटिंग थी ऐसे. हाँ बिल्कुल अच्छे से याद आया. बट वो वाली जो डिश है वो वैसे की वैसे एक और बना के रखी हुई है, तब से इंतजार कर रही है वो डिश. सर जल्दी मिलते हैं खाने पे. संजीव सर का कुकिंग शो जो है वो टीवी पे चलने वाला सबसे लंबा शो था. इनकी ग्लोबली रेस्टोरेंट की चेन है, 24/7 फूड और लाइफ स्टाइल चैनल है. 2017 में ये इकलौते शेफ थे जिनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया. और उसी साल इन्होंने 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया. वाह, 900! तो सर इतनी सारी खिचड़ी क्यों बनाई आपने? घर पे प्लास्टर करना था खिचड़ी से? क्या रीजन था? एक्चुअली ये इंडिया गेट पे बनाई थी. अच्छा जी. हाँ, और इसमें हमने था कि बहुत बड़े बड़े लोग आके इसको करेंगे जी, बड़े नेता लोग, तो फिर वो इसलिए नहीं आए. उनको लगा कि कहीं ऐसे नहीं आ जाए कि हेडलाइन की ये फला शख्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं. अच्छा. लेकिन इट वॉज अ बिग थिंग फॉर इंडिया. हम इंडिया को वर्ल्ड में, खिचड़ी बड़ी सिंपल सी डिश लगती है जी, लेकिन उसमें सारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल के एक्चुअल खिचड़ी बनाई थी एंड रिकॉर्ड बनाया था. और आई कैन टेल यू कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप भी बना सकती हैं अर्चना जी. मैं खिचड़ी बना सकती है ना. चलो शुरुआत तो हुई. एक कदम. Right? वैसे सच बताऊं मैं बना सकती हूँ अच्छा खासा. इटालियन भी बना सकती हूँ और इंडियन भी बना सकती हूँ. अरे और बड़ी बात है, इनके घर पे आए ये मुंह बड़ा अच्छा बना लेती है.
मैंने इनको कहा ना कि दाल से आपको प्लास्टर करना है, पर ये बात सही है, पता है लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा ना छोटा इमाम बड़ा, बड़ा इमाम बड़ा। तो किसी ने बताया कि उसको जैसे सीमेंट इस्तेमाल होता ना तो चने की दाल की पता नहीं कौन सी दाल इस्तेमाल होती है, उड़द की दाल, उड़द की दाल। और ये पंजाब में है, अटारी बॉर्डर के करीब भी जो है ना पुरानी इमारतें जो बनती है ईंटों के बीच में उड़द की दाल डाली जाती थी। क्योंकि सॉलिड हो जाती है वो, जैसे बनता है सूखती है ना उस दाल की तासीर है वो, बिल्कुल सूख के किसी भी चीज को चिपका सकती है, तो उड़द की दाल मिलाई जाती है। एक्चुअली लखनऊ की जो ये कहानी है, मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की बात बीच में नहीं रहनी चाहिए, हमारी लखनऊ की मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए, अंबरसर की होती रहती है। ब्रार साहब आप लखनऊ, अच्छा लखनऊ में पले बड़े हैं आप? ओ मेरी हाँ, मैं बड़ा फ्यूजन हूँ जी, इधर पंजाबी इधर लखनऊ, जो गाल काटनी होती है पंजाबी, जो प्यार ना बोलना होता है लखनऊ, लखनऊ जब जजमेंट देना होता है तो लखनऊ, जब पीछे आगे और की बनाया सी स्वा किटी पार्टी पीछे। तो उस समय कहते हैं फैमिन था लखनऊ में, लखनऊ में कमी थी उस समय, पानी नहीं था, गोमती का पानी सूख गया था, तो और ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोग इतने खुदगर्ज थे कि वो नवाब साहब के पास जाके खाना नहीं मांगते थे। अच्छा, नवाब साहब ने उस समय बड़ा इमाम बड़ा बनवाया और उसमें गुड़ और उड़द दाल, गुड़ भी डाला, गुड़ और उड़द दाल, इमाम बाड़े पे कीड़ियां नहीं चढ़ती, चीटियां, आप साइंस देखो उस टाइम की एक्चुअली। और एंड वही एज अ मेहनताना गुड़ और उड़द लोगों को वापस भी दिया था। और वहां ही तक नहीं सीमित रहती, इफ आई एम करेक्ट करेक्ट रणवीर ओवर हियर, कि क्योंकि वहां पर जैसे उन्होंने बताया था कि वो बनाते थे इमाम बाड़ा दिन वेले बनाते थे, और सेकंड शिफ्ट जो आती थी उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती थी ताकि लोगों के पास काम रहे। कि एक सुबह बनाता था तोड़ता था, बनाता तोड़ता था, ताकि जब लोग को खाना तकसीम होता था ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है, मेहनत करी है और इस वजह से मिल रहा है। वाह, पुराने जमाने में जब दाल के घर बना लेते थे लोग, ऐसे लोगों के घर जाओ तो बंदा कहेगा दाल बनी है, नहीं जी नहीं घर ही दाल से बना हुआ है। अच्छा मैं चीज सोच रहा हूँ कि वहाँ गुड़ सेट करने के लिए लगाते हैं, हमारे पंजाब में तो हाजमे के लिए खाते हैं एक्चुअली, है ना, गुड़ दोनों एक जगह, मतलब थोड़े डिस्टेंस पे जाके उसकी तासीर बदल गई एक्चुअली। खैर पंजाब की बात ही कुछ अलग है, सारा कुछ खा लो उसके बाद में आइसक्रीम ले लो हजम करता है। तो यार आइसक्रीम कैसे हजम करती है? हाँ जी मम्मी जी, अमृतसर आइसक्रीम, अमृतसर आप पूरा खा लो, आइसक्रीम भी खा लो, उसके बाद फिर इतना बड़ा जो है वो आम पापड़ की चाट, ओए होए, मतलब चीज क्या है वो, लेकिन इतनी आम पापड़ की चाट आदमी खा जाता है हाजमे के लिए, इतनी। अरे लोग पोर्शन का इतना इतना खाने का खाते, 250 ग्राम है। अर्चना जी खाना वाना खा के आधा किलो तो सौंफ खा जाती है रेस्टोरेंट में जाए तो। अर्चना जी ने घर पे भैंस भी रखी हुई है, क्योंकि बाहर का दूध नहीं पीते, घर का ही दूध रखते हैं। तो एक दिन भैंस दूध ना दे, इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने भैंस उठा के निचोड़ दी। पहले मेरी मम्मी को ना डॉक्टर ने कहा कि आपने फ्राइड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना है, तो मैं ना हवा में तीर छोड़ता हूँ कभी कभी, अभी मम्मी मैंने आपको देखा था वहां पे आप कुल्फी खा रहे थे ना, नहीं नहीं बेटे मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगी, मैं समोसे जरूर खाते हैं। उस दिन मैंने कहा पकौड़े आपने खाए यहाँ पे सेट पे बने हुए थे, कितने तो 5-6 खाए, 5-6 मतलब पता कितने होते हैं मम्मी? ओ आंटी जी बैठे, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, आंटी जी समोसे नहीं चटने, बाकी कोई गल नहीं, कभी कभी मन तो करता ही है ना खाने, फिर माड़ा मोटा कभी कभी, मतलब बताओ ना कभी कभी कब, 4-4 घंटे बाद कभी कभी होता है इनका। हमारे जैसे की रोजी रोटी चलती है, सहेलियों के साथ जाएगी तो फिर वो भी खानी है, मैं भी देख के खा लेती हूं। अच्छा आंटी जी एक गल कहनी है। हाँ जी। मेरी मम्मी ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। ओ, क्यों? मैं बताता हूँ, वो बोलती है कितनी प्यारी है, बैठती है अपने बच्चे का सारा साथ देती है, और कपिल कितना सुंदर कितना अच्छा लड़का है, मम्मी को साथ लेके जाता और मेरे को देख रही है। अच्छा हर वक्त मेरी मम्मी जैसे आप आती है, बहुत अच्छी है, देख बच्चे का पूरा ख्याल रखती है, किस्मत वाली है कि बच्चा सामने बैठा हुआ है, और That's the biggest blessing she says के parents के लिए। मेरे को बहुत खुशी मिलती है, मैं देखती हूँ सामने। नहीं ये, I think ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं कि ऐसा आशीर्वाद रोज मिले। टेलीविजन चैनल जो चलता है, sorry, मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ जी, तो मेरा टीवी चैनल जो है, तो मैं कम देखता हूँ, पर हमारे घर में अगर रिपीट भी 5 बार भी कोई आया हुआ है, मम्मी जो है सारे एपिसोड देखेंगे, सारे देखे। मैं कहता हूँ रेडियो नहीं है टीवी है, आप बैकग्राउंड में भी चला के रखते हो, कहते हैं नहीं मेरे पुत्र दा है। तो वो जो है
ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬਈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਯੂ ਮੰਮੀ ਖੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਮੀ ਲਵ ਯੂ ਹਾਂ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਦੇਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਕਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਵ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਹੈ तो ये तीन बच्चे हेट यू करके हुए ये जैसे हमें शेफ नहीं पता था इनको ये तो है। मेरा अच्छा। जबड़ा दर्द हो रहा है मैं वापस उसी बात पे आऊंगा जैसे संजीव सर ने बराड़ साहब ने कुणाल पाजी ने कहा कि कोई भी काम जो होता है उसको आप इतनी परफेक्शन के साथ करो कि लोग सेलिब्रेट करें और सेलिब्रेट किया भी पूरे देश ने किया 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया थैंक यू संजीव सर को बहुत बहुत बधाई सर थैंक यू सर जब पद्मश्री मिलता है उसके बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर भी होता है तो वो फिर आपने तो बनाया था वो मिलने के लिए बहुत सारे डिनर बनाने पड़ते हैं सर आज एक डिनर पे नहीं होता आज तक आपने किस कितने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसा स्पेशल डिनर बनाया होगा हाल ही की बात है मैं पिछले दो दिन एनडीए में था बहुत बहुत बढ़िया और तो वहाँ मुझे मेस के अंदर ले गए 2100 लोगों का और वहाँ फोटो लगी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ तो कहते वो मैंने कहा अच्छा ये तो इस साल में आई रिमेम्बर हमने खाना बनाया था तब की बात कहते आप मैंने कहा हाँ आई रिमेम्बर ये उस टाइम की बात है व्हेन शी हैड कम 1983 की बात थी तो ऐसे मौके बहुत सारे मिलते हैं सो प्राउड ऑफ यू सर किसी दे दूं ज्यादा जफिया ना डाल नकली है भाजी क्या कर रहे हो आप हाय कुरान नकली है कैसे सर कभी कभार नकली अच्छे अभी तक अच्छे हैं आगे का आगे की गारंटी नहीं है सर मैं आप लोग की बहुत बड़ी फैन हूँ कौन सी सब्जी आ रही है आप लोगों की सब्जी आ रही मतलब ये मतलब इधर कोई एक्टर आता है तो फिल्म लेके आता है एल्बम लेके आता है तो मेरे को लगा आपका भी कोई पनीर पसंद है या दाल बाटी चूरमा आता रहेगा अरे नहीं ये प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं ये हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं अरे कप्पू ये लोग को प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है पता है अर्चना जी हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर लोग चौका मार के इतना फेमस नहीं हुए जितना ये लोग छौका मार के फेमस हुए थे क्या बात है क्या बात थैंक यू सर मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ सर ये कटोरी लाई हूँ दाल मखनी दो ना थोड़ी सी दाल मखनी मांग रही है मेहमानों से अभी जब आर्टिस्ट लोग आते हैं उनसे ऑटोग्राफ मांगती है ना हाँ। तो शेफ लोगों से तो दाल मखनी मांगेगी वैसे बात तो सही है क्योंकि अभी जैसे आप सिंगर बुलाते हो वो गा गू के चले जाते हैं नहीं गू कर गू के नहीं गा नहीं नहीं ऐसा नहीं हाँ कुछ कुछ रहते हैं कुछ रहते हैं थोड़ी बहुत एक्टिंग हो जाती है कोई डांस करके चला जाता है हम तो खाना बना के नहीं जाएंगे ऐसी बातें करके चले जाएंगे अच्छा मैं सर आप लोग कैसा प्रोग्राम विग्राम देखती हूँ विग्राम भी अच्छा ओके हाँ तो जब भी मैं आप लोग को खाना बनाती देखती है ना मेरा छावा है मुकेश मेरे को उसकी बहुत याद आती है वो भी खाना बनाता है नहीं नहीं वो कढ़ाई जैसा दिखता है मालूम है सच्ची में कप्पू उसके ना इतने बड़े बड़े कान है अर्चना जी ऐसा वैसा चल कर आता ना ऐसा लगता बहुत बड़ी कढ़ाई आ रही थी नहीं सर आपकी बहुत फैन हूँ सर ओके सच्ची मेरे को पैसे वाले आदमी बहुत अच्छे लगते एक एक इधर आके बैठना फिर ये इनके साथ बैठो नहीं वो तो मेरा भाई है देखो कितना अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग अकेले अकेले आए ये तो मम्मी भी लाए हाँ मेरी भी मम्मी है वो है ना हाँ तो इसीलिए तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो घर का पैसा है ना हमको बाहर का भी पैसा चाहिए नहीं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं सर आप आपके मैं ऑफिस में गई थी ऑफिस देखा इनका कितना बड़ा ऑफिस है उधर बाप रे बाप दुबई में भी आपका रेस्टोरेंट है दिल्ली में भी आपका रेस्टोरेंट है इतना बड़ा चैनल है खाने में ऐसा क्या डालते हैं आप जो लोग आपको इतना पैसा देते हैं सर
मेरे को एक चीज जानने का था सर, अभी आपके पास जो इतना पैसा आगे लाए, आप अपने खाने में तड़का जीरे का देते हैं कि हीरे का देते हैं? है। नहीं तो प्याज के साथ प्यार भी डालते हैं। अच्छा सर, आप उधर हरियाणा से है ना? हाँ, हरियाणा में पैदा हुआ था मैं। पैदा हुए थे? हाँ। तो हरियाणा के लोग तो सर ओलंपिक में जाते हैं। हाँ, आप ऐसे किचन में कैसे चले गए थे? खाने की ओलंपिक्स में गए? नहीं कप्पू, तू नोटिस किए तूने, आप अर्चना जी जितने खिलाड़ी लोग रहते हैं ये सब हरियाणा से रहते है। हाँ। मैं तो बोलती कप्पू जो रिकी पॉन्टिंग है ना, तू इसका आधार कार्ड चेक करेगा ना, ये भी रोहतक से ही निकलेगा। अरे पर ये जरूरी थोड़ी ना कि हर किसी को खेल में इंटरेस्ट हो। हाँ ये भी सही बात है, लोग लौकी में सब्जी ढूंढते हैं, इन्होंने लौकी में करियर ढूंढ लिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। सर मेरे को एक गाना सुनाओ ना। वो क्यों गाएंगे? आशा भोसले जी जब रेस्टोरेंट खोल सकती है तो ये गाना क्यों नहीं गा सकते? तो अच्छा ऐसे तो एक दूसरे के प्रोफेशन में घुसने का सर। हाँ। और आपके पास तो चक्कू छुरी भी है, किधर भी घुस सकते हो आप। आप लोग आ जाए, कितना अच्छा मॉल बना है शो पे, बहुत मजा आ रहा है। आप आ जाए आप सर। जगह चेंज करती रहती लड़की। टर्न बाय टर्न। हाँ, जब आपकी बारी आएगी आपकी गोद में आ जाऊंगी। क्योंकि मैं बाजू में हूँ ना, गोद टूट जाएगी। अच्छा सर, आप रणवीर ब्रार है ना जी? हाँ, सोचो सर, अगर आप कपूर होते, रणवीर कपूर, तो करीना और आलिया के साथ होते, खिचड़ी और दालिया के साथ नहीं होते। सपना, तुझे पता है रणवीर पाजी भी एक्टिंग में डेब्यू कर रहे हैं अभी। हाँ? हाँ। अरे क्या बात है, अभी फिल्मों में हमेशा सिर्फ सेफ थोड़ी काम करेंगे, शेफ को भी काम करना चाहिए ना। एक्चुअली मजे की बात यह है कि एक्टिंग भी है और नहीं भी है, क्योंकि रोल शेफ का ही है। अरे तो आपके डायलॉग तो कमाल करेंगे पिक्चर के अंदर, पिक्चर का टाइटल क्या रहेगा? अगर शाहरुख खान का रीमेक करेंगे आप तो सोचो, जैसे रईस है, इनकी पिक्चर का टाइटल होगा राइस। और इनका इनका डायलॉग रहेगा, कोई भी जीरा छोटा नहीं रहता। और अगर समझो सामने से हीरोइन ही जाती रहेंगी तो आपका क्या डायलॉग रहेगा? ये मेरे पनीर कोफ्ते देखकर जरूर पलटेगी, जरूर पलटेगी, और तड़का जरूर लगाएगी। ऐसे रहेगा ना। सही है। और कुणाल जी कैसे आप? वेरी हैंडसम मैन ना। थैंक यू। सर आप चिकन मुगलाई बनाते हैं? हाँ, बना लेते। बनाते हैं? तो ये मुगल तो कब के भागे, इनका चिकन आप कहाँ से पकड़ के लाते हैं? मेरी माँ ने मेरे को समझाया था, कभी किसी का चिकन मत पकड़ना, बोली थी मेरे को। मेरे सर कुछ सवाल जवाब थे आपसे, मैं लिख के लाई हूँ। सर मेरे को एक चीज जानने का था आप लोग का, अभी आप लोग सारा दिन तो हल्दी खड़े मसाले ये सब चीजों में रहते हैं, तो सफेद कपड़े काय को पहनते हैं आप लोग? क्योंकि जो कपड़े धोने के होते हैं उनकी ऐड करने के लिए कपड़े गंदे करने पड़ते हैं, फिर शेफ लोग को ऐड वो मिलती है, कपड़े वो भी ऐड भी वही करता हूँ, डिटर्जेंट की, उससे भी पैसे आते हैं। अच्छा, वैसे भी सफेद रंग जो होता है सफाई का प्रतीक होता है। हाँ, नहीं प्रतीक तो उधर सफाई करता है हमारे नाला। अच्छा लेकिन एक चीज है, मेरे को ना आप लोगों को मैं टीवी पर भी देखे लिया, आप लोग वो जजिंग भी करते हैं ना। हाँ। इन लोग का शो बहुत मस्त रहता है कप्पू। अभी सिंगिंग शो कैसा रहता है, वो जो जज रहता है उसको सिंगिंग पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। हाँ। और डांसिंग शो पे इन लोग को डांसिंग पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। आप लोग का अच्छा है, एंड में आते हैं। हाँ? आप क्या ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये तो कम से कम चखते भी हैं। आप तो खुला बैठ के एंजॉय करो। सपना, तू यही बातें करने आई यहाँ पे? नहीं नहीं सर, मेरे को ना एक्चुअली मेरा अभी शादी मनाने का है, मेरे को मेरा छावा के साथ में। हाँ। इसे कढ़ाई के साथ में, सॉरी मुकेश के साथ। हाँ हाँ, उसके साथ मेरा शादी मनाने का है मेरे को, तो मेरे को ना खाने पीने का आइटम थोड़ा बताओ ना। थोड़ा बहुत आता तेरे को खाना बनाना? हाँ, थोड़ा बहुत आता है कप्पू मेरे को। मैं मटन बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, बहुत इजी रहता है मटन का, मैंने देख लिया। उसमें क्या करने का सर,
ऐसा वो जो पत्ते वाला मूली रहता है ना वो लेने का और पत्ते वाला गाजर लेने का। ये सब तो वेज हो गया। हाँ, ये दोनों चीजें है ना दरवाजे के बाहर रख देने का। जैसे बकरा आए बकरे को पकड़ो और मटन तैयार। अच्छा कितनी मूली कितनी गाजर रेसिपी प्रॉपरली तो बताइए। एक मूली एक गाजर वो काय को वेस्ट करे, उस खाने से पहले पकड़ लेने का बकरे का। फिर वापस रीयूज़। हाँ, वो तो सलाद में ही हो जाएगा ना दोनों। सच्ची में बनाया कुछ पहले कभी? हाँ कप्पू, मैं सर के लिए बना के लाई ना। वही सर मैं आप लोग के लिए ना ये देखिए खास चाइनीज समोसा बना के लाई। इस समोसे की मौत कितने बजे हुई है? ये तो 5 साल पहले बनाया था मैंने। हाँ, चखने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा था मेरे को, तो इसलिए इसका थोड़ा ऐसा हाल हो गया है। तो सर मेरा मसाज पार्लर है, आपको तो मालूम है, देखते ना। हाँ, देखते। तो अलग अलग टाइप का मसाज है। क्या है तेरे पास? तो आप लोग के लिए आमलेट मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें कह रहे थे एक आदमी आता है, मैं उसको पूछी तुम्हारा नाम क्या है, बोलता है आम, मैं बोलती है आम लेट, मैं तेरा मसाज करूँ। ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट रखे ला हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर मैं आऊंगी अभी फिर एक आर्टिस्ट को बचाने। सर आजकल सोशल मीडिया पे ना हमारी जनता जो है बड़ी क्रिएटिव हो गई है। आप लोग जब अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या कुछ भी डालते हो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हाँ हाँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। हाँ जी। ये संजीव सर ने फोटो डाला है, विजिटेड ए लोकल मार्केट इन कश्मीर एंड हियर आर सम पिक्चर्स। ओके, इधर कमल काकड़ी। हां, व्हाट इज दैट? हां, नद्रू कमल काकड़ी। भेस भी बोलते हैं, भेस भे भे पंजाबी में भे बोलते हैं, पे भेस पे। हां, एक्चुअली काफी महंगी थी कश्मीर में। मुझे जो सबसे ज्यादा झटका लगा था वो ये लगा कि यहां पे इतनी सारी बड़ी सस्ती होगी, वहां पे भी 550 रुपए किलो दिखी मुझे। 550 रुपए किलो कीचड़ के अंदर होती है, निकालना इसको बहुत मुश्किल होता है। कमल इसके ऊपर लगता है। हाँ। और इसके ऊपर कमल के सीड होते हैं, उस कमल के सीड से निकलता है मखाना। कमेंट्स देखते हैं जी। 550 रुपए किलो, मैंने तो नहीं कभी खाया होगा क्योंकि जवानी में तो मैंने कभी खाया नहीं, बचपन में मेरे को याद नहीं, नहीं। कोई इतना महंगा नहीं होता, बड़ा महंगा था। ये कमाल के जादूगर हैं, 100 रुपए की सब्जी खरीद के उसमें 50 का मसाला डाल के 2000 की बेच देते हैं। सेलिब्रिटी होने का यही नुकसान है, मोल भाव के टाइम कोई ना कोई फोटो खींचने आ जाता है। मुझे तो लगता है ये इन्हीं की दुकान है, कोई डिस्काउंट ना मांग ले इसलिए बोल दिया मैं खुद खरीदने आया हूँ। उसे बोलो सही सही लगा ले, बना के तुझे भी खिला दूंगा। और दिखाइए। तेरी है की है। Raise your hands if you are bored of mutter and want भिंडी back। ये क्या बात हुई भाजी? मतलब मटर भिंडी साथ में नहीं आ सकते? सर जी भिंडी का साइज देखो, हाथ से भी लंबी ऊंची, एक्चुअली जायंट भिंडी है। चलो कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। जेंट्स की 5 फिंगर पे भारी है 1 लेडी फिंगर। ये तो भिंडियों की दीपिका पादुकोण है। आप तो खाने के बारे में बहुत जानते हैं, ये बताइए भिंडी अगर लेडी फिंगर है तो जेंट्स फिंगर क्या है? किसने रिप्लाई किया, हर मामले में अपनी फिंगर ना करें। और दिखाइए। आफ्टर नाइव्स माई डब्बा कलेक्शन मेक्स मी हैप्पी एंड फॉर यू। चलो कमेंट्स देखते हैं इसके नीचे। सर जी आप इतने सफाई से खाना कैसे बना लेते हो, हम तो 1 किलो आटा गूंदे आधा किलो हमारे मुंह पे लग जाता है। फोटो के चक्कर में डिब्बे मिक्स मत कर देना। बीवियां डिब्बों को लेकर बड़ी पजेसिव होती, पति भले ही गुम हो जाए। ये सही कहा। और दिखाइए। वाह जी वाह, ये छोटा वाला टिफिन जरूर किसी डाइटिंग वाली लड़की का होगा। नहीं लगता है वो पीछे वाले बड़े डब्बे का बच्चा है। एक डब्बा टेढ़ा हो रहा है, ध्यान से दाल आपके पतीले में ना गिर जाए। लगता है स्कूल में जब बच्चे टिफिन भूल जाते थे तो ये उठा लाते थे। और दिखाइए। हाउ माय मॉर्निंग चाय लुक्स लाइक व्हेन आई विजिट माय कच्ची कच्ची कच्छ। ओके, मदर इन लॉ पकवान विद गर्मा गर्म चाय, हाउ डू यू स्टार्ट योर मॉर्निंग? दिखाइए कमेंट्स। आपकी मदर इन लॉ कच्ची है कैसे है, हमारी तो पक चुकी है।
अरे इनका मतलब कच्छ से है। हाँ। आपकी अभी भी ससुराल में खातिर हो रही है? हमारे तो बोलते हैं आते हुए सोन पपड़ी लेते आना। और दिखाइए। और है जी, और है। एक हाथ में चाय है, एक में पकवान, टेबल भी दे देते तो रख के खा लेता इंसान। वाह वाह, ये तो राइमिंग भी है। सर हिम्मत है तो सासू माँ के बनाए खाने में कमी निकाल के दिखाओ। और दिखाइए। जस्ट अ कैजुअल पंजाबी मुंडा ऑन द स्कूटर विद सम वेजीज। वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। कूल वेजीज यार। ये फोटो कहाँ की है कुणाल? मेरी कुकबुक का कवर शूट है। अच्छा, तो चल रहा है आपका काम, फिर होम डिलीवरी क्यों करने लग गए? स्कूटर भी लाइक, थोड़ी देर पेटी अपने सर पे भी रखो, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। बेचारे का दबाव। सर जी टोकरी की बजाय छोकरी के साथ फोटो खिंचवाते तो ज्यादा लाइक आ जाते। क्या बात है कपिल, टोकरी देख के ही छोकरी आएगी। आई एम टेलिंग यू, जितने भी मर्द जो खाना बनाते हैं उनकी वैल्यू बहुत हो गई है, स्पेशली इन लॉकडाउन जिन्होंने बनाए हैं, उनको एक्स्ट्रा लव मिला है। एक्चुअली और दिखाइए। इफ आई आस्क्ड एनीवन फ्रॉम माय और द प्रीवियस जनरेशन अबाउट देयर हैप्पीएस्ट ट्रेन मेमोरीज, इट वुड मुश्किल वर्ड आ गया, इनवेरियबली इन्वॉल्व द स्टीम इंजन। इसके कमेंट्स दिखाइए जरा। वेरी नाइस हो रहा है। ये जो इंजन, जो स्टीम, जो ये इंजन है, इट्स द ओल्डेस्ट रनिंग स्टीम इंजन ऑफ इंडिया। वाओ। और ये जो ड्राइवर हैं, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मूछों का। वाह, इनकी अगर ये अभी दिख रहा है ना, थोड़ी थोड़ी मूछें जब खुलती हैं तो ये यहाँ तक तो आती हैं। वाह क्या बात। रणवीर बराड चेक कर रहे हैं कि इंजन की स्टीम से आलू पक जाते हैं कि नहीं। ये ट्रेन चलाने वाले को कोरोना नहीं हो सकता, सारा दिन तो भाप लेता होगा। अच्छा लॉजिक है। ये धुआं इंजन छोड़ रहा है कि ड्राइवर? और दिखाइए। सर जी ट्रेन रोक लो, मुझे 2 मिनट और लगेंगे, मैं पटरी पे ही बैठा हूं। और दिखाइए। नमस्ते, आप चाय लेंगे या कॉफी? ओ वाओ, संजीव सर ये कब की फोटो है? ये मेरी पहली नौकरी, मैं बनारस में था। अच्छा जी, तो ये तब की फोटो है। वेरी नाइस। दिखाइए कमेंट्स। दिस इज 85 86। लगता है इनको देखने लड़की वाले आए हैं, तभी ये शर्माते हुए चाय पकड़ा रहे हैं। जवानी में सोचा होगा कुकिंग में काम नहीं जमा तो सर्कस में तो हो ही जाएगा। अरे कब पकड़े, इसलिए देखना मेहमान जाते ही ये सारे बिस्कुट खा जाएंगे। वो तो होता ही है। और दिखाइए। Was this used for wrong answer only? दिखाइए कमेंट्स। ये पूरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर दिन के कम से कम 1000 which is 1 quintal राइस की बिरयानी डेली बनती है और बिक जाती है। Wow. इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है। ये जो आप अभी देख रहे हैं इस वक्त, ये लाइन से चावल पक रहा है, लेफ्ट को राइट में दम हो रहा है। जितनी ये अभी दिख रही है इससे 3 गुना पीछे की तरफ भी है। Correct. और एक साथ में एक जगह इतना चावल बनता है कि आप हैरान हो जाएंगे और बहुत बढ़िया बिरयानी बनती है। ये हिंदुस्तान में ऐसे कई जगहें हैं जहां पर लोग इतना तादाद में इतना बढ़िया खाना बनाते हैं। क्या बात है, साउथ में आया ना ये? साउथ में, हैदराबाद। कमेंट्स आए, किचन है या आप कपड़े रंगने का काम भी करते हो? एक्चुअली इतना बड़ा किचन, ग्रेट खली का चम्मच। किसी लगा शेफ लोगों का बाहुबली। फोटो खिंच गई हो तो पीछे वाले को दे दो, पूड़ियां जल रही हैं। Too good. पर ये किचन पाजी, मतलब ये किसी रेस्टोरेंट का किचन है? कहां का? ये एक रेस्टोरेंट का किचन है जो वन डिश वंडर है, मतलब एक डिश पे ही उन्होंने अपनी पूरी रियासत बनाई हुई है, बिरयानी। और ये हैदराबाद के, बताऊंगा नहीं किसके, बट इतना बड़ा ऑपरेशन है, जब लंच टाइम होता है इनके रेस्टोरेंट से लेकर 2 गली दूर तक लाइन होती है सिर्फ डिलीवरी की। वाह, वहां पर जाम लग जाता है। और जो बिरयानी बनती है ना यहाँ पे, वाकई क्या बढ़िया खुशबू, क्या बढ़िया तरीके से बनती है, और बिल्कुल क्लासिक वे में ताजी बनती है, ताजी सर्व होती है। फ्रिज है ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिक जाता है। क्या बात।
चलिए वापस, हम तो भूल ही गए हम शूटिंग पे आ नहीं पा रहे। रणवीर, ओहो पाजी, क्या बात, फोटो है आपकी, वाह। नो आई डोंट शेयर भुट्टा इधर, माय नेक्स्ट नो शेयर फूड आफ्टर वड़ा पाव। अच्छा हाँ, चलिए कमेंट्स दिखाइए। ओहो भुट्टे यार, दोस्तों के साथ शेयर करने से कोई भी मना कर सकता है, दम है तो गर्लफ्रेंड को मना करके दिखाओ। रिप्लाई, जो बंदा बरसात में अकेले भुट्टा खा रहा है तुझे लगता है इसकी गर्लफ्रेंड होगी? ऐसे क्या देख रहे हो, नंगा भुट्टा पहली बार देखा है? और दिखाइए। खत्म। क्या बात है, कपिल शर्मा जी कमाल का। I want to ask you कि ऐसा क्यों है कि दुनिया भर में मोस्टली कहा जाता है कि औरतें खाना बनाती घर में, लेकिन पब्लिक फील्ड में वेमेन शेफ्स इतने कम हैं एंड मेन आर डोमिनेटिंग? नहीं, ऐसा है, वेमेन आर स्मार्ट, वेमेन जो है बहुत समझदार होती हैं। शेफ का काम प्रोफेशनली गधे जैसा काम होता है। अच्छा, तो वेमेन आर स्मार्ट, बैठे बैठे हा। That's Archana in the house. That's Archana, Puran, Singh in the house. Ajay, Vijay and Raju in the house. ये कौन है? ये मेरे जीजा है यार, उधर बैठे हैं। मेरा जीजा लोग मेरे को बोले थे शो में आएंगे, मेरा नाम जरूर लेना, मेरे को उनका नाम लेने पड़ेगा। क्या है, मेरा जीजा है, फिर नाराज हो जाएगी तो प्रॉब्लम होता है। आपको तो पता है बटर चिकन बनाना आसान है, लेकिन रूटे हुए जीजा को मनाना। It's a trust, but I'm telling you, Archana, I'm a huge fan. I can't tell you. Ek bar Sanjeev ji, Kunal ji aur Ranveer ji ke liye zordar taali ho jaye. Main kya bolenge? Main Acho Yadav hai, main London se aaye hai, lekin main aapko sach bata raha hu. Aap khana banate hai, main khate hai. Isse zyada pure rishta nahi ho sakta. Bilkul nahi. Kya baat hai? I love you guys. हम आप जैसे लोगों के बड़े फैन हैं। वो थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया, आप यकीन नहीं करेंगे। ये लीजिए, टैन टैन। ये तो खाली थाली है, तो खाना तो ये लोग डालेंगे ना। नहीं, और क्या यार, सर एक काम कीजिए, थोड़ा चार पांच नान लगा दीजिए, आप पराठे लगा दीजिए, आप थोड़ा दाल लगा दीजिए। अर्चना जी, आप अपने पति को फोन लगा दीजिए, बुला लिए। आज का पार्टी मेरे तरफ से। कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है। अरे सर, ये आपको पता है, ये पहले तंदूर थे, हम सब ने पैसे डाल के गर्दन लगवा के दिए इनको। ब्रो, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और तेरा कुछ उड़ा सकते हैं। आपकी शर्ट पतलून बहुत बढ़िया यार, ये मेरे को भी चाहिए। या यार, नाइट सूट है, मुझे चाहिए। आई विल गिव इट टू यू, इट्स ऑल योर्स। आपको पता है ये सूट नहीं, अर्चना जी की गाड़ी का कवर है ये। ये क्या बात हुई ब्रो, ये फनी बात हुई। लेकिन सर, मैं आपको बता रहे हैं, मेरे को खाने पीने के इतना ज्यादा शौक है, मैं शेफ का कोर्स भी किए हैं। हाँ हाँ, उधर शेफ का कोर्स के बाद मेरे को वो भी मिले, वो क्या बोलते हैं, डिग्री? नहीं नहीं, ये टोपी, टोपी। ये मैं इधर इशारा कर रहे, सर्टिफिकेट में सर पे लगाएंगे क्या? कमाल का बात कर रहे हैं यार, टोपी के साथ साथ वो डीप नेक वाला बनियान होते हैं ना, वो भी दिया वो लोग मेरे को। डीप नेक बनियान नहीं, बनियान एप्रन, एप्रन वो होता है। अरे एप्रन, मई जून वो सब मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन वो डीप नेक वाला बनियान पहन के मैं आज से खाना बनाएंगे। ये झूठ बोलता है सर, इसको कुछ कुछ नहीं आता है, इसको खाने बनाने के बारे में कुछ नहीं पता इसको। ब्रो बोल रहा है सर। यस, अब डायमीटर देखो, देख रहे हैं, डायमीटर देखो, ढाई मीटर है, ढाई मीटर है, ढाई मीटर। ये आदमी को खाने के बारे में नहीं पता होगी तो किसको पता होगे? वैसे पॉइंट है,
हम तीनों शेफ मिलके किस काम के शेफ हैं अगर वो डायमीटर हमारा फिर भी कम है. Exactly. मैं बोल रहा है मैं सिर्फ खाना खाते नहीं है मैं खाना पहनते भी है. लोगों का 56 इंच का छाती होता है मेरा 56 भोग का छाती है. You see that? Bogey bog. Feel it, feel it. और मैं आपको अर्चना जी मैं मजाक नहीं कर रही सर. मेरे को खाना पीने का इतना शौक है मैं चावल देख के बता सकते हैं कि ये चावल खिचड़ी में जाएगा कि बिरयानी में. वो कैसे? वो मैं अपने हाथ से बनाएंगे मेरे को पता है ना मैं किधर डालेंगे. ये अजीब सी बातें तो तुम अकेले में भी कर सकते थे ना शीशा देख के. हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? करने क्या है तुम इधर? क्या मांगता है तुमको? Don't scream. I get scared. That's so sweet. I get scared. मैं बता रहे हैं मैं करने क्या आए सर. मैं हक का लड़ाई लड़ने आए आए मैं बता रहे हैं पर ये हक का लड़ाई मेरा नहीं है मैं इसका करेला मैं करेले का हक का लड़ाई लड़ने आए. अर्चना जी बहुत गलत है सर. आप लोग सलाद बनाते हैं उसमें ककड़ी है टमाटर है प्याज है जो सबको रुलाता है लेकिन करेला आप नहीं डाल रहे सैलेड में. क्यों? क्योंकि ये कड़वा होता है. तो कड़वा होते तो क्या हो गया? आपने कौन सा प्याज के रसगुल्ले खा लिए? सैलेड में डालो पराठे में डालो ना सैलेड में जा रहा है ना पराठे में जा रहा है ना इसका चटनी बन रहा है कुछ नहीं हो रहा है. सब्जी तो बनता है ना करेले का. लेकिन खाता कौन है वो सब्जी? आज ये प्रण लेते हैं हम कि ये करेला आप खाएंगे पूरा खाएंगे और अभी खाएंगे और हम खिलाएंगे और हम खिलाएंगे करेला करेले की हक की लड़ाई ऐसे पूरा खिलाएंगे. अरे करेला की लड़ाई खाएंगे पूरा खाएंगे. अरे भाई अभी अभी आपको जवाब मिल गया सलाद में क्यों नहीं जाता और वो सब हलवा क्यों नहीं बनता है जूस क्यों नहीं बनता. मैं जानना चाहेगा ये किसका चाल है. देखो हमें 5 साल पुराने समोसे खिलाओगे तो करेले ऐसे ही मिलेंगे. याद रखना ठाकुर. मैं याद रखेंगे ये मैं कभी नहीं भूलेंगे. ये भूलने वाला बात है भी नहीं. एक और आदमी जिसको इंसाफ चाहिए. कौन? तेरे शॉर्ट्स को. वो कहते हैं ये हमें निकाले हमारा दम घुट रहा है इसमें. हमें आजादी चाहिए. सुनो अभी तुम्हारे लिए एक बिजनेस डील है. बताओ. अभी मेरे को बताया कुणाल जी ने एक बहुत बड़ा किचन है हैदराबाद में. तो उधर एज ए कुकर लगोगे. कुछ नहीं करना है खाली नाभी में सीटी लगानी है बाकी वो कर लेंगे. करोगे? अच्छा आइडिया है. मेरे ऑफिस में आइए अपन डिस्कस करेंगे. We'll talk about it. अच्छा जा डाइटिंग वाइटिंग किया कर कुछ तेरा भला होगा. जा जा. सर ऐसा बात नहीं है कि मैंने डाइटिंग नहीं की है. मैं किए थे डाइटिंग. यकीन मानिए मैं डाइटिंग शुरू ही किए अगले दिन किसी ने मेरे सामने गाजर का हलवा रख दिया. अब वो गाजर का हलवा मेरे सामने घी के आंसू रो रहा है. वो गाजर के हलवे ने मुझे देखे उस गाजर के हलवे को मैंने देखे फिर बस फिर हमने और कुछ नहीं देखे. ना जाने कब हम दो जिस्म एक जान हो गए. अच्छा और थोड़ी देर में 20 बटर नान हो गए. अरे वाह. फिर 5 किलो बिरयानी और 5 मीठे पान हो गए. ये क्या एक और करेला? नहीं नहीं मेरा एक कॉल आ रहा है. मेरा एक कॉल आ Oh my God, Gordon Ramsay. एक मिनट. Hello. Yeah, Gordon Ramsay. देखो मेरा बात समझो. तुम्हारा garden में जो अच्छा fresh vegetables fruits उगता है सिर्फ वो खाओ. उससे तुम्हारा garden में कभी तकलीफ नहीं होगा. Garden. Oh, garden. Or, garden. Fast मत खाना. Ramsay खाओ. Ramsay. ठीक है Gordon Ramsay. अब मैं फोन काट रहा है. Right, sir. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत खुशी हुए. दिल खुश हो गया. ये आप रखेंगे मैं लेके जाएंगे ब्रो. All right. दिल खुश हो गया. Thank you. Nice meeting you, sir. ऐसे बहुत मजा आया. Sir, बहुत मजा आया. I'll see you. Yeah, bro. सर जी आप पूरी दुनिया को इतने लाजवाब लजीज खाने खिलाते हैं. हम आज आपको एंटरटेन करना चाहते हैं गेम खिला के.
और ये बड़ी आपसे रिलेटेड है, आपका बनाया हुआ खाना देशों विदेशों में घूमता है, आज खाना आपके सामने घूमेगा और आपको पकड़ना है। वाह, लेके आइए जरा। क्या बात है। तो ये जो छतरियां हैं छोटी छोटी, ये आपको ऐसे पहननी है और ये घूमेंगी और इसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपको बेर खाना है या स्ट्रॉबेरी। हाँ। तो आपको वही फ्रूट खाना है। ओके, आइए ब्राड साहब, अपने साइज का हैट आप ले लीजिए। ओके ओके, अच्छा मतलब सर किस साइज का बनाना पड़ेगा, ये खोल के आपके साइज का कर देंगे। अच्छा आपको ना जो भी फ्रूट बोला जाएगा खाने को, हाँ, वो अगर आपने पकड़ लिया मुंह से, हाँ, तो फिर इसको होल्ड करना ताकि हम समझ पाए कि ये इन्होंने सही टास्क खेला है। ओके रेडी, तो ब्राड साहब स्वाद लो फिर आप आ जाओ। आपको बेर खाना है, चलिए मार चपट्टा। अरे रुक गया। ओए होए, वाह क्या बात है। आइए पाजी आप आगे आइए। नहीं है, थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। मुझे क्या खाना है? आपको स्ट्रॉबेरी पकड़नी है। कुणाल खुद ही घुमा ले यार। अरे इतना तेज क्यों घुमा रहे हो? जा तो रही है स्ट्रॉबेरी। कितने वो पीछे लड़के शादी हो रही है वो उसके ग्रेप्स के साथ। अंगूर नहीं खाने भाई साहब, खाली स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी है। अच्छा खोल के घुमाओ, खोल के देखो जी। मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्रूट नहीं खा रहे हैं, फुटेज खा रहे हैं। चलिए जी खानी स्ट्रॉबेरी। अच्छा आपको कोई मनपसंद फल है तो आप बता दो। देखिए अंगूर धागा छोटा है। अंगूर खाएंगे काला? ओके जी, तो कुणाल काला अंगूर खाएंगे। चलिए जी। हाय रब्बा बड़ा मुश्किल है। हाय रब्बा बड़ा मुश्किल है। घुमा लो हाथ से फिर से। मैं कहा इससे पहले हमारे फ्रूट खत्म हो जाए ना, ऐसे एक बार ऐसे खड़े हो जाओ, हिंदुस्तान के शेफों को ये फोटो दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेगी। ऑर्डर लिया जाएगा। संजीव सर आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में आना, खाना खिलाओगे मैं गेम खिलाऊंगा। देखो जी श्रद्धा की बात है, जो मिल जाएगा खा लेंगे, संतानु की स्वादा नाल, जो आएगा खा लेंगे। आपको बेर खाना है। ओके okay. ठीक है, बेर दो हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ चलो ब्राड साहब कमा दो। एक बेर तो नीचे गिर गया। एक है बेर। ये देखिए बेर है। ये इसका जो है ना, ये फिर से, अरे उनके अंगूर फंस गए आपस में। ये बहुत ओके चलो आप अंगूर, एक तो ये स्ट्रॉबेरी शादी कर लो, अंगूर आ गया फिर शादी। नहीं नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे। तो वैसे कौन सा? मैं आराम से घुमाऊंगा। ब्राड साहब बहुत तेज घुमा रहे हैं, मैं घुमाता हूं। हां ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। ओके अंगूर आप आया। चलिए कौन सा था आप जी, कौन सा है फ्रूट? जो मुंह में आ जाए, जो मुंह अंगूर खाने हैं आपको, अंगूर खाने आप। ओए होए आ जा ले, उधर ब्याह करा दे। हां हो गया। यार ऐसा कुछ पकवा लो हमारे से। मैंने कहा कुछ पकवा लो हमारे से, हम इसका कुछ फ्रूट चाट बनवा लेते हैं। सेम सेम खेल रहे हैं, सेम खेल रहे हैं। तो भी नहीं आ रहा। आजा वैसे एक बात बताऊं, ये देख के लगेगा वो जैसे बच्चे कहते हैं ना, आपको कहीं साथ में नहीं ले जा सकते। वही है ये। तो वही हाल है। पर बहुत अच्छा खेला आप सबने। शुक्रिया पाजी। अच्छा वैसे आप, अच्छा आपका शो है, आप थोड़ी करोगे? हलवाई अपनी मिठाइयां कभी खाता है? आइए सर कुछ सवाल है। हाँ जी, आप लोग हमेशा ही जब भी कोई रेसिपी बताते हैं तो आप ये बोलते हैं कि स्वाद नमक अनुसार। नमक तो स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार। वाह। तो हमेशा आपने देखा होगा कुकरी शो में बोला जाता है टू टेस्ट कि नमक स्वाद अनुसार। तो घर में अगर 6 लोग हैं तो किसके स्वाद के अनुसार हम नमक डालें? जो सबसे ज्यादा चाय गिरी करे उसके साथ।
जिसने सबसे ज्यादा गालियां दी है ना खाना खा के, नमक ठीक नहीं है, उसके हिसाब से डाल लो जी। ओके, तो जो घर में चुपचाप एडजस्ट कर ले, जो सबसे ज्यादा चिढ़ जाता है खाने को लेकर, उसके स्वाद के हिसाब से। वेरी गुड, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। ऑन अ सीरियस नोट, नमक स्वाद अनुसार बहुत साल तक मैंने कहा, लेकिन अब कहता हूँ नमक सेहत अनुसार। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। प्याज काटते हुए आंख से आंसू ना आए, उसका क्या उपाय है? प्याज मत काटो, अच्छा सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? सब्जी की मात्रा बढ़ा दो। बिल्कुल सही, मतलब गोभी में अगर नमक ज्यादा हो गया तो गोभी थोड़ी बढ़ा दो, आलू डाल दो या पानी डाल दो, यार थोड़ा पानी डाल दो, तरी वाली बना दो, मसाले वाली से तरी वाली बन जाएगी। खाने के बाद डकार ना आए उसके लिए क्या करें? खाना खा ही मत, ना ना डकार पहले मार लो। कभी कभी खीर जो होती है पतीले में लग जाती है या बिरयानी लग जाती है, उसे खुरचन कहते हैं। खुरचन, तो उसका फिर क्या करें? खुरचन की खीर बड़ी महंगी बिकती है। नहीं नहीं, सवाल गलत है, लगता ही नहीं है, हमारी कंपनी के इतने प्रोडक्ट हैं सारे नॉन स्टिक हैं, लगता ही नहीं है। ये तो हो गई अपनी प्रमोशन। अर्चना जी का सवाल आया, गोल रोटी बनाने का क्या तरीका है? कटोरी से काटो, हमेशा गोल निकलेगी। पहले बड़ी वाली चादर बना लो जितनी बनती है, रायता फैलाना फैला लो, उसके बाद कटोरी। हाँ, वेरी नाइस। पर सबको अपनी वोटी गोल नहीं चाहिए, सिर्फ रोटी गोल चाहिए। इन्होंने सिर्फ सिद्धू जी नहीं खाए, उनके शेर भी खाए हैं। एक महिला पूछ रही है कि कुकर में जब सीटी आती है तो टाइल्स पे हल्दी के निशान पड़ जाते हैं, टाइल्स को गंदा होने से कैसे बचाएं? यार वो शेफ है, वो क्लीनर थोड़ी है, पर फिर भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो। नहीं बिल्कुल, वो भी एंडोर्स करते हैं। आपके पास है क्लीनिंग सॉल्यूशन? सर बहुत सारे ऐसे वो भी करते। आप वंडर शेफ है सर। वंडर शेफ नहीं, बट इसका एक जुगाड़ है जी, कुकर को उल्टा करके और उसके पीछे थोड़ा सा ऑयल डाल दें उसकी विसल में। अच्छा अच्छा, पीछे की साइड से। ये ऑडियंस में सब अच्छा अच्छा शुरू हो गया, ऐसी चीजें बड़ी मजेदार लगती हैं। और बाकी वो एक ईयरबड लेके कान साफ करके तो नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, दैट्स नाइस टिप, धन्यवाद। ये इसने अभी अभी बनाई है, मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ। मैं ऐसे बना लेता हूँ अभी अभी, देखो ये ऐसी टिप बना लेता है ताकि लोग सोचें कि ऐसी कौन सी चीज थी, संजीव कपूर ने बता दी, बराड़ साहब ने बता दिया, उसके पीछे आप ऑयल डाल लें। अब ये घर पे जाके डाल के देखेंगे फला होता है कि नहीं। रणवीर जी मजा आ गया आपको देखे, संजीव जी मजा आ गया, क्या बात है सर। सर अब बैठिए ना सर, इतनी इज्जत नहीं मेरी इधर। अरे सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही हूँ, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ मैं सही हूँ, 50% ठीक है। जैसे सर आप टीवी पे पकाते हैं ना, हाँ ये भी टीवी पे पकाते हैं। बिल्कुल हमारा काम, देखो जी बहुत कम लोगों की किस्मत होती है टीवी पे पका के खजाना बनाना। सर ऐसी बात है कि मैं पकाता हूँ लेकिन इसमें मैं शर्माता नहीं, जैसे आपने रिकॉर्ड बनाया था ना 950 किलो खिचड़ी बना गए, मैंने 1000 किलो खिचड़ी बना के रिकॉर्ड बनाया, कपिल बता दे। बिल्कुल 1000 किलो बनाई तब जाके एक कटोरी सही निकली, वो भी इन्होंने कहा कि सही निकली। कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते, चार पैसे आए घर में? सर देखो पैसा क्या है, पैसा तो आना जाना है, पैसा तो आज संजीव जी के पास है तो कल फिर इनके पास ही रहना, मेरे को तो इन्होंने देना नहीं। पैसा तो कपिल हाथ की मैल है, मैं तेरे को बताऊं। और इन्होंने जब से ये कहावत सुनी ना, पैसा हाथ की मैल होती है, ये पैरों पे चलते नहीं, हाथों पे चलना शुरू कर दिया ताकि मैल लगे। अच्छा जूते इनके नए हैं, हाथ इनके घिस गए। अरे देखो ये स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब अंबानी साहब ऐसे नहीं मेर हो गए, क्या थे? पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज देखो कहाँ है। टाटा साहब नमक बेचते थे, आज देखो कहाँ है। और छोड़ो अपना प्रमोद लगा लो, पंचर लगाता था, आज देखो कहाँ है। कहाँ है वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है? मैंने पंचर लगाया है, वो है किधर यार, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। यही फालतू की बातें करने आए यहाँ पे? मेरी बेइज्जती करता रहता है कि ये बातें करने आए हो। जो पहले बंदे आए थे वो क्या देश का बजट यहाँ पे डिसाइड करने आए थे? वो भी ऐसी बातें करके आए थे। एक्चुअली सर मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, जो मेन बात है उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कल को हमने मिलना है, इकट्ठे जाया करेंगे ऐसे ही हम लोग, तो थोड़ा अभी से हम बना रहे हैं। पहला टिप मैं आपको एक टिप दूं, रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया छोड़ दो। अच्छा खुद ही तरक्की करो, दूसरा ना करे।
आपने पहले कभी खाना बनाया, रेस्टोरेंट खोलोगे आप? सर क्या बात करो, आधी इंडस्ट्री में मैं काम कर चुका हूँ, ये खाना बना चुका हूँ। हमारे लेजेंड आर्टिस्ट राखी जी के वहाँ पे मैंने खाना बनाया 3 साल, लेकिन वहाँ पे ना रोज 2 लोगों का खाना वहाँ पे वेस्ट हो जाता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। करण अर्जुन का मेरे करण अर्जुन आएंगे, मैं 2 लोगों का खाना बनाता था, खाना बच जाता था, वो खाते नहीं थे, तो मेरा डायलॉग इन्होंने खराब कर दिया। फिर मैं मीका जी के घर चला गया, मैं पहले दिन नौकरी छोड़ दी। क्यों? वो आते कहते आज की पार्टी मेरी तरफ से, मैं कहा यहाँ तो रोज बंदे आने, पार्टियां होनी है, ना ना कितना खाना बनना। फिर अर्चना जी के घर पे मैंने नौकरी की, रिलीफ, वहां पे बिल्कुल काम नहीं, खाना गर्म ही करना है, उठा उठो के पता नहीं कहां से ले आती थी। देखो ये खाना वाना छोड़ो, आप वो करो जो आपको आता है। देखो ये गाना सुनेगा, इसको गाने का बड़ा शौक है कि मैं गाना गाऊं। आप कहां से सिंगर हैं? पैरों से। पैरों से मतलब? मैं जब तक किसी के पैर नहीं पकड़ लेता ना सर, मेरा गाना नहीं सुनते, बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को। ये है मतलब थोड़ा सा, अभी अभी खाने की बातें कर रहे थे, अभी गाने की बातें करने लग गए, ये तो इनका करेक्टर है यार। गाना और खाना ये सेम होता है, थोड़ा ही फर्क होता है, बाकी सब सेम ही होता है। देखो जैसे गाने में अंतरा होता है, खाने में संतरा होता है। संतरा अंतरा सेम कैसे हो गए? मैंने कहा ना थोड़ा ही फर्क होता है। और सागा, हाँ इसको यकीन नहीं है, मैं आपको गा के बताता हूँ। आलू गोभी टिंडे करेला पनीर पा मसाला पा पा तड़का लो अरे साहब नमस्ते। अरे साहब साहब थोड़ा ऊंचा गाओ ना साहब, ताकि मेरी चाय गर्म हो जाए। मेरे गाने से चाय कैसे गर्म हो जाएगी? अरे आपके गाने से दिमाग गर्म हो जाता है साहब। कमाल करते, चाय तो गर्म होगी नहीं। नमस्ते साहब, नमस्ते। मैं राजू चाय वाला साहब, मेरे इधर चाय का दुकान है। हाँ सर, आप जूस लेंगे? अरे बोल रहे हो चाय चाय और पिलाएगा जूस, कितना झूठा है। तो आपने भी तो बोला था इधर आके मैं कॉमेडी करूंगा, किया क्या? आप भी तो गाना गाते हो ना साहब। अरे कपिल सेठ कैसे साहब? एकदम बढ़िया। अरे साहब प्लीज ये चाचा जी को अपने बुलाया करो साहब इधर। क्यों? इनकी वजह से मेरी चाय की दुकान बहुत चल रही है। अरे थैंक यू सो मच, पर मेरे आने से कैसे चलती है? जब इनका एक्ट आता है ना सब लोग पीछे चाय पीने आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है साहब। ये ऐसे ही है, ये अपना मतलब आपस में मजाक चलता है इसका। इनका मजाक आपस में ही चलता है, हम लोगों का मजाक पूरी दुनिया में चलता है। आई सर इधर। ओह हेलो सर, ये इधर आ, इधर इधर आ। एक जो तेरा काम है ना तू वो कर, चाय बना। कितना पैसे दोगे साहब पहले बताओ मेरे को? पैसे नहीं, मैं गाना सुना दूंगा। गाने के मैं ज्यादा पैसे लूंगा। मेरे को डराना नहीं, चाय भले फ्री में पी लो, गाना वाना नहीं साहब। यार कपिल ये बेइज्जती करवाने मेरे को बुलाया यार। हाँ। मैं चल, हाँ? नहीं मतलब, अरे आपको गुस्सा कर गए सर, कमाल सर, बहुत होगी मेरी। तू मेरे को थप्पड़ मार लेता मैं बर्दाश्त करता हूँ, मेरे को बेइज्जती है गाने की मेरी, मैं बर्दाश्त नहीं। अगर इनके खाने की बेइज्जती करोगे आप बर्दाश्त करोगे? नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे साहब, बेइज्जती ऐसे थोड़ी कर रहे यार, ऐसी बात नहीं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते साहब। एक बार लेरी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए साहब। बहुत मेहनत किया है आदमी ने, ऐसी बात नहीं है साहब। हम लोग मजाक करते हैं लेकिन आदमी का स्ट्रगल एक रहता है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया आदमी ने साहब। पैसा नहीं था मालूम है संजीव जी, लंगूरों के मुंह से केला छीन छीन के आदमी ने खाया है साहब। छोड़ो, नहीं नहीं साहब, नहीं साहब, बताना बहुत जरूरी है। स्ट्रगल टाइम में किसी ने आदमी को बोल दिया बंदर हमारे पूर्वज है, ये जाके बंदर से लड़ने लगे मालूम है, कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है। नहीं साहब पुरानी बातें छोड़ो ना। नहीं साहब आपके बारे में बताना जरूरी है, ऐसे नहीं खड़ा है। अरे जो आदमी पंजाब से बिना गद्दी की साइकिल पे बैठ के बंबई आएगा वो किधर बैठ सकता है? छोड़ो ना। नहीं साहब छोड़ो, पुरानी बातें होगी जो हो गया। नहीं साहब बताना, आपका स्ट्रगल बता रहा हूँ साहब, कितना मेहनत करके आए, भिखारी टाइप आदमी थे लोग। छोड़ो, नहीं साहब बताना जरूरी है। अर्चना जी इनके घर पे टॉयलेट नहीं था मालूम है, कुत्ते के कपड़े पहन के खंभे पे जाते थे ये लोग।
थोड़ा पुरानी बात नहीं बताना जरूरी आपके बारे में। अरे पैसे का रिस्क लेना कोई आदमी से सीखे। साहब नवाबों के घर पे घुंघरू पहन के नाचा ही आदमी पैसे के लिए। अरे एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए रणवीर भाई कुणाल जी संजीव सर। मजा आ गया। संजीव सर कुणाल भाजी रणवीर भाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आज की शाम। बड़ी मजेदार रही और हम हमेशा याद रखेंगे। आते रहा करो भाजी आप। बुलाते रहा करो आप। बुलाते कम हो। 8 साल बाद बुलाया। लव यू भाजी। भाई बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। दिल खुश हो गया जैसे हम खिला के। थैंक यू ब्रदर साहब। थैंक यू भाजी। जैसे हम खिला के खुशी पा रहे हैं आप हंसा के जो काम कर रहे हैं आई थिंक बहुत 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 नेक काम है। हंसाने का और खिलाने का दोनों का काम बहुत नेक। थैंक यू सो मच। कुणाल पाजी आपकी बुक थी ना अभी। ये मैं क्या ये कहीं बिना दिए मुझे कैसे चले जाए। कुणाल कपूर इन द किचन फैमिली मील्स। वाओ हाउ स्वीट। लव यू बाय। कपिल गिन्नी त्रिशान एंड नायरा हाउ स्वीट पाजी। मैं जैसे ही डाइटिंग करनी शुरू करता हूँ मेरे को ऐसा कोई गिफ्ट मिल जाता है। अब मैं कैसे रहूंगा ये सब खाए बिना। इसके अंदर डाइटिंग वाली रेसिपी भी है और ऐसी भी रेसिपी है जो आदमी लोग जो शेफ नहीं है वो आराम से बना सकते हैं। वाओ पाजी थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट। शुभ रात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।